सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जेसी जोरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। ऐसी मान्यता है कि बाबा बालकनाथ जी का जन्म सभी युगों में हुआ। अलग अलग युग में उनको अलग नाम से जाना गया, जैसे सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल। हर युग में ये शिव के भक्त थे। इन्होंने सभी दुखियों की बहुत सेवा की। द्वापर युग में महाकौल के रूप में वो शिव के दर्शन करना चाहते थे। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी, जिससे वो माता पार्वती जी के माध्यम से शिव को पा सके। उनका उद्देश्य पूरा हुआ। वे शिवजी ने कलयुग तक इसी बालक रूप की छवि के रूप में रहने का वरदान दिया। बाबा बालकनाथ जी ने कलयुग में गुजरात के काठियाबाद में देव नाम से जन्म लिया। उनकी माता जी का नाम लक्ष्मी व पिताजी का नाम वैष्णवेश था। बाबा ने परम सिद्धि के लिए घर त्याग दिया व स्वामी दत्तात्रेय से सिद्ध की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद शाहतलाई आए व रत्नी माई से मिले, जो कि द्वापर युग में उनको शिवजी से सलाह देने वाली ही थी। फिर उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक उनकी गायें चराई। गायों को छोड़कर वे एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो जाते थे। 12 वर्षों के बाद गांव वालों की शिकायतें आने लगी कि गायें उनकी फसलों को खराब करती हैं। तो रत्नी माई ने उन्हें कहा, तो बाबा जी ने अपने रास्ते जाने के लिए कहा। तो रत्नी माई ने 12 वर्षों तक उनको खिलाई रोटी व लस्सी की याद दिलाई। तो बाबा ने वहीं बरगद के पेड़ के पास रोटी व तालाब के रूप में लस्सी वापिस की। इसी तालाब को शाह तलाई के नाम से भी जाना जाता है। बाबा बालकनाथ जी का मंदिर हमीरपुर जिले के हिमाचल प्रदेश के चकमोह गांव में एक पहाड़ी की चोटी पर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। गुफा में बाबा की मूर्ति स्थापित है। यह एक हिंदू देव स्थान है। यहाँ पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं उत्तरी भारत के समस्त श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस स्थान को द्योट सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बाबा जी की गुफा के सामने ही बहुत सुंदर गैलरी का निर्माण किया गया है, जहां से महिलाएं बाबा जी की गुफा के दर्शन करती हैं। सेवक जन गुफा में रोट का प्रसाद चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि बाबा जी की गुफा में आलोप हुए तो यहां एक दियोट अर्थात दीपक जलता रहता था, जिसकी रोशनी दूर दूर तक जाती थी। इसीलिए लोग बाबा जी को द्योट सिद्ध के नाम से भी
जाना जाता है। आइए भक्तों, अब आपको हम दर्शन करवाते हैं इसी द्योट सिद्ध मंदिर के स्थान के। बहुत बहुत धन्यवाद।